आदाब साथियो, तुसी संघर्ष दे हिस्से बनते रहे हो। 2003 तो लगातार काफले जिहड़े उह चले आ रहे आ, उस काफलिया दे हुण असीं उस पड़ाव दे विच आ ते जिस पड़ाव दे विच जिवें मैच दे आखिरी 5 मिनट हुंदे आ ते जिहड़ी उह सीरीज है उस दे हिस्से आ जांदी है जिहड़ा फॉरवर्ड खेड के ज्यादा जोर ला जांदा है। असी जिथे आपकी एसोसीएशन नूं लैके कच्चे दफ्तर नूं लैके अगे वध रहे आ उहदे नाल नाल समाज का हर वर्ग इस घोल का हिस्सा बनता रहा है। अज भी जथेबंदियां भरातरी जथेबंदियां पहुंचियां लुधियाणे तो सुखदेव सिंह हठूर के अगवाई के काफले आए हैं। इस पूरी भरातरी जथेबंदियां कुछ पोलिटिकल पार्टियां एनजीओज समाज का हर वर्ग ईवन के मार्केट भी जाने कि खड़े हैं तो उत्थे कच्चे अध्यापकों जानते होंगे। वो हैरानी भरी गल है, कल मैं एक फोन आया कहते क्योंकि डरे हुए साथी कि कोई विघन ना पै जाए काम के काम अपना सिरे लग जाए, कहते जी दूसरी पार्टी के महा जी देखो ऑपोजिशन का जो नेता होगा साढ़े विच एक होर मीटिंग सी मुख्यमंत्री आए दिल्ली तो क्योंकि ऑलरेडी जो उस पोस्ट के उत्ते उस अहदे उत्ते चुने जाता कोई उस पार्टी का सीएम नहीं होंगा, वह पूरे दिल्ली के सारिया पार्टियां का समाज के हरेक वर्ग का वो सीएम है। मुख्यमंत्री का आना कोई छोटा संकेत नहीं है, भावें जी उन्होंने नजरिया कोई भी हो, पर असी इस नजर में देखते हाँ कि उन्होंने इतने आना कच्चे अध्यापकों के दुख दर्द को महसूस करके आना हो समाज के घर घर वह गल चली कि पंजाब के अध्यापकों 6000 तनखाह मिलती है। अब वो समाज का पंजाब का ही इंडिया का तो वर्ल्ड का भी जिहड़ा आम लोग जानने लग गए भी पंजाब कैसी हालतों के विचों गुजर रहा है। पंजाब जिहड़ी सरकार चलता है साडे नूं पहलां भी जिक्र करता हुंदा, ये लोग पौड़ी का कम लेंदे है साडे तो, जदों असीं पौड़ी का चलना शुरू करते हाँ सारी पौड़ी साडे सामने हुंदी है ते जिहड़े जिहड़े असीं उपर नूं जांदे हाँ ਉਹੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਪੌੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਝੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੜ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਥਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਐਡੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ।
झूठ बोलन का, क्योंकि पिछले ड्राइव कर रहे हो कोई मुख्यमंत्री ने झूठ बोलन का आपका जिहड़ा हैगा तरीका बदल लिया। ऐलान होंदा भावें कि होर भी बड़े वड्डे वड्डे 36,000 मुलाजम का बोर्ड लग जाते पिंडा तक सारे पुछण लग जाते हूं तो हो गए तुम पक्के, क्योंकि ये भी चलाए गए हूँ। देखो जिमें वैसे मैं नहीं सीखना चाहिएगा, एक अमीर बाप कह लो या समाज के जो बंदा आपकी पहुँच रखता हो आपकी कुड़ी की जो शादी करता ब्याह करता वह दाज दहेज दिता आपके वर्गा घर अगों चुनता है लगता है। एक फिर होंगे भूरी वाले संत बार वो ग्रुप मैरिज करते हैं, जिमें ट्रस्ट बना के कोई होंगे ना भी 50 समूहिक शादियां करती और समूहक शादी हो ही तो है नहीं पता लगे भी है भी 36,000 मुलाजम ना तो हैल्थ का पता लगे कौन है ना कोई एजुकेशन का पता लगे कौन है तो ना किसी होर मैं कहना 46-47 मैं कहने सारे है अपने धरने लाई बैठे है वह पता नहीं फिर 36,000 की कोर्टली कदों खुलूगी। हूँ परसों भी मिले जे कुछ संघर्ष करोगे तो काम नहीं होना तो मैं फिर काम करने किन क्या दोनों कर रहे हैं बड़े संतुष्टि भरे जवाब न कहा, क्योंकि आप सोचते होंगे असी जे भावें भी गरीब परिवार को बिलोंग करते हुए पर असी गल पक्की करते हैं झूठ नहीं बोलते एक दूजे को जेकर किसी दो रुपये देने आप होंगे भी साढ़े घर ना कोई आए दे आप घर टाइम सिर दे के आइए ता कि इज्जत ना खराब हो गए इन्हों की वो है नहीं वो इज्जत नहीं है जिम्मे जिम्मे अहदा वादा है झूठ वादे है बड़े झूठ बोलने शुरू कर देंगे मुख्यमंत्री बनाया वो आम व्यक्ति तो है नहीं पूरे पंजाब का है पर झूठ वटे है हूँ भी हैरानी की गल है। प्रगट सिंह जी आए प्रगट सिंह जी कह रहे भी असी मुलाजमान गल्ला सुन लिया थोड़े तो नाल तीन तीन चार चार मीटिंगा कर लिया मैं कोई आसान नहीं किया काम करोंगे तो आसान मनोंगे जे तुसी काम ना करोगे तीन की असी 50 वारी भी तुहाडे कोल ही आना है। सो कल भी अपनी बैठक है उस दे विचों की निकलता फाइनेंस सैकटरी भी है जी की आपको ज़्यादा लोड़ रही है पिछले 13-15 सालों तो फाइनेंस सैकटरी लुके रहे हैं शायद को खजाने का मूँह अपने कल खुलूगा। तो नंबर 2 के उत्ते कल की जी हीरिंग से परसों से चली गई हमने वकील साहब को मिल के आए थे फिर भी स्टेटस का पता करते रहिए क्योंकि जो आप एडवोकेट चुने थे वो ए जी बन गए एडवोकेट जनरल बन गए हूँ वह किमें मसला हल हो सकता वो सारी डिस्कशन करके आए हैं पोस्ट आपको मिलनगियां ये भी तो होर भी सरकार है जी झुकाने के लिए जितने साडा जोर लग्या उत्थे दिल्ली वाले मुख्यमंत्री के आने के उत्ते भी इन्हों फिक्र पिया होना है वो अज सिमरजीत मान ने भी बयान लवाया है दूजे पुराने ठग पुराने बेली कहते असं नहीं आना है मैं तुम्हें तो पहला सू 10 साल कुट के गए तुम तो इतने आगे तो गल कह नहीं सकते जो हूँ अभी आ गए फिर सरकार फिर अभी पक्के कर देंगे तुम तो मैं हूँ आ गल ना बोलो जो आ गए तो फिर जाते नहीं वापस मैं यह गल क्लीयर ही है हूँ लोग लोग तो कहना और किसी होर टैंकी वाले को आया कि 2 मिनट फोटो करा के गया कल सुखबीर बाद इतने जाओ मैं इतने साढ़े संगत जा रहे हैं भुलेखे जला रही है। सो हूँ आप एक छोटा जहा एजुकेशन क्योंकि कल आप एजुकेशन भी किया तहत आप कल मीटिंग मिली है आप जे बैनर कल बनाए है पट्टिया बनाईया ये आप फड़ के जिमें किसान मजदूर अंदोलन एक सड़क के किनारे या चौंक के किनारे खड़ के आपके दुख दर्द को बयान करने के लिए एक घंटा आप लवेंगे 2 तो लैके 3 बजे तक अद्धे टीचर हो सके तो इधर अद्धे इधर जिमें एक ने यह बैनर फड़ लिया 3 टीचर ना फड़ने फिर चौथा फड़ लूगा मतलब जिन्हें का एडजस्टमेंट करके आप टीचर ज़्यादा ना बैनर घट है उस हिसाब में भी अपनी आवाज जी आम लोग देख के जान आप एक घंटे लिए खड़ा तो मैं स्टेज सैकटरी को कहना भी अगली कार्रवाई आ रही है।